हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। हम लोग बात कर रहे हैं 24 से 29 मई 2021 तक की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यूज की। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssclpinnacle.com और baljeethaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, आप माय टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और ssclpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन आपको बताना है INCB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वियना, ऑस्ट्रिया। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इन दैट केस आपका आंसर हो जाता जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद के लिए 2025 तक 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोक्यो 2021 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पलक कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने कोविड रोगियों के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आश्रिता वी ओलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शाजी NM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का टैग पाने के लिए किस राज्य के 14 किलो की संभावित नामांकन सूची को स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, चिपको आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को अफ्रीका से भारत में फिर से लाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिवशंकर मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बशर असद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर सी एन आर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य कुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश में भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मालदीव्स। लास्ट क्वेश्चन देखो, सच कहूं तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नीना गुप्ता। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। साथ ही साथ घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।